हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रसमलाई एकदम सॉफ्ट और बिल्कुल रस से भरी हुई बनने वाली है, तो आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी और घर में ही उपलब्ध चीजों से बनाना बताऊंगी, जिससे आपकी रसमलाई बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए, देर किस बात की, हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात आपसे और कहनी थी कि आप मेरे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप तक मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले हम छेना बनाते हैं। छेना बनाने के लिए आप गाय का दूध या टोंड मिल्क लें, क्योंकि इसमें फैट ज्यादा नहीं रहता है। दूध को बर्तन में निकालने के बाद इसको गैस पे रख दें गर्म होने के लिए। अब इस दूध को अच्छे से गर्म करना है हमें। 3 से 4 मिनट में गैस का फ्लेम तेज करके मैंने दूध को अच्छे से उबाल लिया है। और इस बात का ध्यान रखें, जब दूध में ऊपर से मलाई आने लगती है तो इसको चम्मच से चलाते जाएं, ऊपर इसमें मलाई नहीं जमने देना है। ये दूध हमारा अच्छे से उबल चुका है। आपको ये जो बाउल में दिख रहा है, ये एक बड़ा साइज नींबू का रस निकाला है और इसमें 2 चम्मच पानी ऐड किया है। इस नींबू के जूस को 2 चम्मच नींबू का जूस इस दूध में ऐड कर देते हैं। इस समय गैस का फ्लेम स्लो पर रखें और इसे चम्मच से चलाएं। ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है। यदि आपके पास छोटे छोटे नींबू हैं तो 2 छोटे छोटे नींबू लें, उससे 1 लीटर दूध आराम से फट जाएगा। अब इसमें फिर से 2 चम्मच नींबू का रस ऐड करते हैं और इसे चलाते हैं। इस प्रोसेस को धीरे धीरे होने दें, क्योंकि धीरे धीरे छेना निकलता है दूध से। नींबू की क्वांटिटी एकदम से ज्यादा ऐड नहीं करनी है, इंतजार करना है दूध के फटने का। फिर से हमने 2 चम्मच नींबू का जूस ऐड कर दिया है, क्योंकि इससे पूरा छेना अलग नहीं हुआ था। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि ये बहुत गर्म है। अब इसमें जितना था बाउल में पूरा नींबू का जूस ऐड कर दिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है हमने। ये देखिए, इससे पूरा छेना अलग हो चुका है। ध्यान रखें, जब आपका छेना फट जाता है, पूरा निकल जाता है दूध से, तब आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, नहीं तो ये छेना हार्ड हो जाएगा। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। अब इसी छेने में बिल्कुल ठंडा चिल्ड वाटर ऐड कर दें, या आप बर्फ के टुकड़े ऐड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, क्योंकि गरम गरम में ये छेना हार्ड हो सकता है, इसलिए ठंडा पानी ऐड करना जरूरी होता है। अब हमें छेना अलग करना है। इसके लिए किसी भी बाउल के ऊपर, कोई भी आपके पास जालीदार छन्नी है वो रख लें और ऊपर से कॉटन का कपड़ा लगा लें। अब इसको पलटते हैं। ऐसा करने से पानी हमारा अलग हो जाएगा और छेना अलग हो जाएगा। ये छेना हमारा पूरी तरह से अलग हो चुका है। और ये जो पानी दिख रहा है आपको, ये पानी बहुत ही काम का है। इस पानी से आप आटा गूंथ सकते हैं या दाल चावल बनाने किसी भी काम के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब इस छेने के ऊपर बिल्कुल ठंडा पानी फिर से ऐड कर देते हैं, या नॉर्मल पानी से भी आप धो सकते हैं अब, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो मेंटेन हो ही चुका है। इसमें पानी फिर से इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसमें जो भी नींबू का फ्लेवर है वो पूरी तरह से अलग हो जाए। अच्छे से चम्मच से चलाते जा रहे हैं और इसे पानी से धुल लिया है। इस पूरे कपड़े को इकट्ठा करके इसकी गोल पोटली बना लें और इसका पूरा पानी निकाल लें। इस तरीके से दबा दबा कर पूरा पानी निकाल लें जितना निकल जाए, और इसे आधा घंटे के लिए इसी छन्नी के ऊपर रख देंगे ताकि इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। मिनिमम आधा घंटे के लिए इसको जरूर छोड़ें। जब तक छेने को रेस्ट के लिए रखा है, तब तक हम रबड़ी तैयार करते हैं जो रसमलाई के लिए चाहिए होती है। इसके लिए मैंने फुल क्रीम दूध लिया है भैंस का। आप रबड़ी बनाने के लिए फुल क्रीम दूध भैंस का दूध ले सकते हैं, क्योंकि रबड़ी तो गाढ़ी ही बनती है। गैस का फ्लेम स्लो या मीडियम करके इसको अच्छे से उबालें। दूध को थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से जरूर चलाते जाएं, क्योंकि यदि हम चम्मच से नहीं चलाएंगे
होती है, ऊपर मलाई जम जाएगी, मलाई की पपड़ी पूरी जम जाती है, इसलिए चम्मच से चलाते जा रहे हैं। अब इसमें हाफ कप चीनी ऐड कर दें। चीनी आप स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे आप खाते हों। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जाएं। चीनी के साथ उबल उबल कर ये दूध अच्छा गाढ़ा हो गया है। ध्यान रखें आप चीनी स्टार्टिंग में ही डालें, क्योंकि हम चीनी पहले से डाल देते हैं तो ये दूध का दुगना टेस्ट बन जाता है। बाद में चीनी इसमें ऐड ना करें। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड कर दें। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें ताकि दूध में अच्छा कलर आ जाए। इससे ज़्यादा हल्दी यूज ना करें, नहीं तो रेड कलर का हो जाएगा दूध। हल्दी तो हेल्थ के लिए अच्छा होता ही है और हर घर में अवेलेबल होता है आसानी से, इसलिए हल्दी का यूज़ किया है। आपके पास यदि फूड कलर है तो हल्दी की जगह फूड कलर डाल सकते हैं। 8 से 10 बादाम को बारीक काट कर इसमें ऐड कर दें। 8 से 10 पिस्ता को भी इसमें बारीक काट कर ऐड कर दें। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। 8 से 10 काजू को भी बारीक काट लिया है, इसमें मिला दें और इसे अच्छे से पकाएं, मिक्स कर दें। पकाने से ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसमें 10 से 15 केसर के रेशे इसमें डाल दें। केसर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इस रबड़ी में जब केसर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे 4 से 5 मिनट फुल फ्लेम करके अच्छे से इसको पकाएं ताकि ड्राई फ्रूट्स और ये केसर अच्छे से पक जाए। ये दूध हमारा पककर रेडी है। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं और केसर के कारण इसमें येलो कलर भी आ गया है। टोटल इस दूध को गाढ़ा करने में मुझे 30 से 35 मिनट लगा है, क्योंकि रसमलाई के लिए जो रबड़ी चाहिए होती है वो गाढ़ी होनी चाहिए, तभी रबड़ी अपनी स्वादिष्ट लगेगी। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब छैने को चेक करते हैं। लगभग आधा घंटे के बाद रबड़ी तो पककर तैयार हो गई है। दबाकर देखा, इसमें एक भी पानी नहीं आ रहा है। अब इसे किसी भी बर्तन में पलट लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट छैना बना हुआ है। हल्का सा मॉइस्चर होना जरूरी होता है। यदि आपको बनाने में लेट हो गया है, जैसे आपने छैना ज़्यादा देर के लिए रख दिया है, इसमें एक भी मॉइस्चर नहीं है, तो हल्का सा पानी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून। इसको हाथ की मदद से इस तरीके से पाम से प्रेस करते हुए बिल्कुल सॉफ्ट करें, बिल्कुल मक्खन की तरह होना चाहिए। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, इसे 10 मिनट तक ऐसा करें। मैंने वीडियो को ज़्यादा कट नहीं किया है, आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगेगा। इस तरीके से इसको करते रहें। छैने को 8 से 10 मिनट सॉफ्ट कर लिया है, उसके बाद इसमें 1 टीस्पून मक्के का आटा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। यदि कॉर्नफ्लोर नहीं है तो थोड़ा सा मैदे का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें, करीब 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा, ताकि इसमें अच्छा सा बाइंडिंग हो जाए छैना बनाते टाइम। इसको लगभग 8 से 10 मिनट इसी तरीके से मक्खन की तरह फेंटते रहें, हाथ से पाम की मदद से इसको इस तरीके से प्रेस करें। जितना ही अच्छा आप इसको मलेंगे उतना ही अच्छे हमारे छैने बनकर तैयार होंगे। इसको बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है, ये बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट हो चुका है। इस तरीके से बनाकर देखा, आजू बाजू से फट नहीं रहा है, यानी कि ये परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें चाशनी बनाना है। इसके लिए कढ़ाई में 1 कप चीनी लिया है। जिस कप से चीनी का मेजरमेंट किया है उसी कप से फुल भरकर 4 कप पानी लें। पानी ज़्यादा क्वांटिटी की तरफ ही रखें, कम ना रखें, इसके लिए ज़्यादा चाशनी चाहिए होती है और पतली चाशनी बनानी है। और गैस का फ्लेम तेज करके इसको गर्म करना है। एक तार या दो तार की चाशनी तैयार नहीं करनी। इसको इस तरीके से लंबा करके चाकू की हेल्प से बराबर बराबर पार्टीशन कर लेते हैं। और ध्यान रखें, इसमें आप मैदा या कॉर्नफ्लोर जो भी डालते हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रखें, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो छेना हार्ड बन सकते हैं। अब इसको हाथ की हेल्प से
इस तरीके से गोल गोल बनाएं और हल्का सा हाथ से इस तरीके से प्रेस करें तो अच्छे से आसानी से बन जाते हैं छेने। ये सभी छेने बनाकर रख लिए हैं हमने, और ये जब तक ये चाशनी वाला पानी भी उबलकर तैयार हो गया है, इसमें हम धीरे धीरे करके एक एक डालते जाते हैं। गैस का फ्लेम फुल पर ही है और इसके लिए एक तार या दो तार की चाशनी तैयार नहीं करनी होती है, बस इस चाशनी को उबलते तक का इंतज़ार करते हैं और इसमें सारे छेने हम इस तरीके से डाल देते हैं। हमने इसे 5 मिनट गैस का फ्लेम फुल करके पकाया है ताकि बाहर की लेयर अच्छे से सेट हो जाए, और इसे फिर ढक दिया है। ढकने के बाद लगभग 8 से 10 मिनट ढककर पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें और दो दो तीन तीन मिनट में आप चेक भी कर सकते हैं। हमने इसे ढक दिया था। ढकने के बाद 5 से 6 मिनट में इसको चेक करके देखते हैं, ऊपर से देखने में ये फूले फूले दिख रहे हैं। ये सभी के सभी छेने अपने साइज के डबल हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर इन सभी छेने को पलटा देते हैं ताकि दूसरे तरफ भी अच्छे से पक जाए। छेने को जब चाशनी में डालते हैं तो तुरंत हमको छेने को चम्मच से नहीं चलाना है, नहीं तो ऐसे में छेने टूट सकते हैं। मिनिमम 10 मिनट तक का वेट करें, उसके बाद ही पलटाएं। 10 मिनट में ये ऊपर की लेयर छेने की टाइट हो जाती है। अब इसको फिर से ढककर पका देते हैं। आप इसे ओपन करके भी पका सकते हैं मीडियम फ्लेम पे। टोटल छेने को पकाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। इस तरीके से आप खोलकर भी पका सकते हैं, बीच बीच में ढककर भी पका सकते हैं। और ज़्यादा चाशनी इसलिए लेते हैं ताकि ये छेने अच्छे से पक जाएं। और फ्रेंड्स, हम भैंस के दूध से बने हुए छेने इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि भैंस के दूध से बना छेना जब चाशनी में डालते हैं तो भैंस के दूध में इतना फैट होता है कि चाशनी में डालते ही वो छेने फैल जाते हैं। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप छेना बनाने के लिए गाय के दूध का ही यूज़ करें। ये अच्छे से छेना पककर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट छेना बने हुए हैं। अब इनको ठंडा होने दें, गैस का फ्लेम ऑफ कर दें आप। ये हमारे छेने ठंडे हो चुके हैं। अब सभी छेने को इस तरीके से स्पून की हेल्प से दबा दबा कर इनका चाशनी अलग कर देते हैं और इन्हें रबड़ी में डालते जाते हैं ताकि रबड़ी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। सभी छेने को रबड़ी में डाल दिया है। अब इसे स्पून की हेल्प से सभी को अच्छे से डिप कर दें और ये जो बचा हुआ चाशनी है इससे आप मीठी पूड़ी, पुआ या शक्कर पारे कुछ भी बना सकते हैं। ये रसमलाई बन तो गई है लेकिन अभी हमको और भी सब्र करना होगा। 3 से 4 घंटे के लिए थोड़ा तो इंतज़ार करना होगा। इसे किसी भी कंटेनर में अच्छे से रख दें और फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। अच्छे से इसमें मलाई डाल दें ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले छेना। 4 से 5 घंटे में इसे फ्रिज से निकाल कर देखा, ये सभी के सभी छेने अच्छे से रबड़ी को एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अब इसे किसी भी बाउल में निकाल कर देखा, ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। इसे तोड़कर देखा, ये बिल्कुल सॉफ्ट बना हुआ है और खाने में तो पूछिए मत, इतना टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल यम्मी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके, नेक्स्ट वीडियो में